बरसन लागी बदरिया। अब सीधा है सुनाएंगे, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया। रूम ये दिहाती हो गया, कजरी को भी सजाया जाता है। बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के, रूम झूम के। झूमना चाहिए शब्दों से, और स्वर द्वारा शब्दों को सजाना शास्त्रीय संगीत है। योयम धन विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित रंजको जन चित्तानाम सराग कथितो बुधै। सुनने वाले भी चित्त को आकर्षित करे, वही राग है, उसी को शास्त्रीय कहते हैं, उसी को उपशास्त्रीय कहते हैं। और गाना शुरू हो और लोग भागने लगे तो शास्त्रीय न है न उपशास्त्रीय। अब आजकल शास्त्रीय का ऐसा रूप बिगाड़ दिया है हम लोगों ने कि शब्द स्वर द्वारा शब्दों को सजाना न करके सुगर बना, बस आतान मारना है कि सुगर बना आता, तो उसमें कहां साहित्य मिला, कहां अच्छा लगेगा। तो लोग वही समय में जाके चाय पीते हैं, चलो मौका मिला है कि आ हो रहा है। कि किसकी गलती है, हम कलाकारों की। हम तो ये कहते हैं कि तुझे ऐतबारे उल्फत जो न हो सका अभी तक, तुझे ऐतबारे उल्फत जो न हो सका अभी तक, तो मैं समझ गया यकीनन अभी मुझमें कुछ कमी है। दूसरे में कमी नहीं है, बताइए, श्रोता में कमी नहीं है। श्रोता बहुत अच्छे हैं, सब सुनने वाले लोग हैं, सुनाने वालों की कमी है खाली। अरे भाई कुछ अर्थ हो तब तो सुने। सीए टिकट करते हैं, बिल्ली न बताओ क्या फायदा है ऐसे संगीत से ऐसे। तो उसको जो समझ के नहीं करता है उसको कलाबाज कहते हैं, कलाकार नहीं कहते हैं। कलाकार में कलाबाज में ही अंतर है। कलाकार एक एक स्वर को सजाता है, और कलाकार खाली उसको उपद्रव करता है तान मार के। अब पब्लिक सुने चाहे न सुने, मैं तो गईबे करूंगा 2 घंटा। अरे भैया कोई जरूरी नहीं है, शास्त्र कहां कहता है कि खूब रोक के गाओ। एक खान साहब कहे, भैया मेरे अब्बा हजूर गाते थे तो एक बीड़ी खत्म हो जाए तो एक सम आवे। हमने कहा भैया सुनने वाले कई लोग थे, कहा 10-15 लोग तो रहते ही थे। हमने कहा यही कारण है। फिर कहे भैया आजकल का गाना मेरा मैक का हो गया है, 10,000-20,000 पब्लिक रहती थी और अब्बा हजूर गाते थे तो पिछला आदमी एकदम साफ सुनाई देता था उसको कि हाँ संगीत क्या है, एकदम साफ सुनाई देता। हम कहा भैया अगले आदमी का क्या दुर्दशा होता होगा इसको समझे। जब इतना जोर को गाएगा तो पिछला सुटा लगला का क्या हाल होगा। तो हर चीज आजकल तरक्की पर है, सब हो रहा है, शास्त्रीय संगीत भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन फ्यूजन म्यूजिक के बीच में घुसा दिया, उसको हम कंफ्यूजन म्यूजिक कहते हैं। वो कंफ्यूज करता है, उसके अंदर कोई तत्व नहीं। धा धा धर धा धा धर खाली पीटों के कान खराब हो जाए। अरे उसमें कहां है कल्पना। 15 प्रकार का जो गमक हमारे शास्त्रीय संगीत में है, त्रिप गमक, स्फुरित गमक, कंपित गमक, वलि गमक, क्रूर गमक, आहत गमक, उल्लासित गमक, प्लावित गमक, गुंफित गमक, खुंफित गमक, चट्टित गमक, मुद्रित गमक, नामित गमक, त्रिभिन्न गमक, इन गमकों का प्रयोग करके दिखावे कोई। जितने विदेशी हैं या जितने वो पश्चिम से संगीत आया है उसमें हमको 5-8 गमक का प्रकार सुना दे तो हम समझेंगे हाँ बहुत बड़े कलाकार हैं। वो कलाकार नहीं, कलाबाज लोग हमारी कला को चौपट करने के लिए ऐसा प्रवेश कर रहे हैं। हमारी कला में जो खूबसूरती है वही तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन से 3 बार बुलाए मुंबई में, तो मैंने कहा हमारे सामने हम कुर्सी पर थे तो जमीन में बैठ के सुनते थे, बड़े बेचारे अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने कहा देखिए आपका यमन हमारा यमन में क्या अंतर है। हम गाएंगे श्याम बजाई आज मुरलिया, ए श्याम बजाए आज मुरलिया, श्याम बजाए आज मुरलिया, दिन श्याम बजाए आज मुरलिया। अब आप ये सुना सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, मत के लिए प्यार हमारे संगीत से बात है। बाकी सब तारी हमका कला बहुत बड़ी चीज होती है भाई, कला सुन दिखाइए। अच्छा हम कलाकारों में एक ऐप क्या आ गया है कि शब्द की प्रधानता छोड़ दी, साहित्य गायब हो गया, खाली आदान रह गया, साहित्य गायब हो गया। इसीलिए कारण है कि लोग टीवी बंद कर देते हैं जब शास्त्रीय शुरू होता है। इन कलाकारों की कमी है हम लोगों की, उनको साहित्य बताइए। सारे गमा जो गाते हैं उसका अर्थ क्या है। जाने बिमुन होए पर दीदी, हम जिम्मे मत करते हैं कि बिना जाने किसी के बारे में,